नागरिकता संशोधन एक्ट को लेकर उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने सीएए को लागू कर अपने वोट बैंक की राजनीति को ध्यान में रखा। किसी ने इसके खिलाफ असंतोष जाहिर किया तो उसे लाठी डंडों और जेल का डर दिखाकर चुप करा दिया गया। इसी का परिणाम है कि आज दिल्ली जल रही है। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता फराह खान ने। इस वक्त हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी, दिल्ली जल रहा है, जामिया के बाद अगर हम देखें तो सीलमपुर, जफराबाद, हर जगह प्रोटेस्ट जारी है, दिल्ली में हर जगह आग लग रही है। देखिए, यदि आप सत्ता में हैं तो आपको हर कानून बनाते वक्त या हर कदम उठाते वक्त जन कल्याण को ध्यान में रखना पड़ता है। भाजपा ने जो कैब का विधेयक लेकर के आए, जो अब एक्ट बन चुका है, उसमें केवल अपने पार्टी का हित और अपने पार्टी के वोट बैंक की राजनीति को ध्यान में रखा और उसके खिलाफ यदि किसी ने कोई भी असंतोष जाहिर किया तो उसको लाठियों से और जेल का डर दिखाकर चुप कराना चाहा। आज उसी का परिणाम है कि दिल्ली जल रहा है, सारे विश्वविद्यालयों के कैंपसों में, देश भर में आग लगी हुई है। असम के अंदर बहुत स्थिति चिंताजनक है, उत्तर पूर्व में लोग उबाल खाए हुए हैं, उनको लग रहा है कि हमारी संस्कृति पर यह हमला है। अलग लोगों की आशंकाओं को दूर करने के बजाय, उसका समाधान निकालने के बजाय सरकार जो है मनमाने तरीके से चीज़ों को लोगों पर थोप रहा है। विपक्ष बार बार कह रहा है कि मुस्लिमों को भड़काया जा रहा है और साफ तौर पर उनका ये कहना है कि इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। देखिए, जब आप राजनीति करने के लिए कोई चीज़ करते हैं तो उसको दूसरे कैसे राजनीति नहीं करेंगे। और फिर भाजपा का विरोध यदि राजनीति करना है तो सत्ता तो आती है, आपके कदम के समर्थन में भी लोग होंगे, आपके कदम के विरोध में भी होंगे। और तो विरोध करना यदि पाप है तो बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं, वो पाप कर रहे हैं, और उनमें मैं भी सम्मिलित हूँ, हमारी पार्टी भी सम्मिलित है। हम आपकी गलत नीतियों का विरोध करेंगे, यही हमारा संविधान सम्मत अधिकार है, कर्तव्य है। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं फराह खान, आ9 टीवी, दिल्ली।